ज्यादा बच्चे आज है नहीं, सबका चेक होगा, जल्दी से कर लो सारे। और जिस जिसका होता जाएगा वो प्रेजेंट करते रहना। सर हाँ प्रणव बोलो। नहीं, मैंने नेटलिफाई की लिंक शेयर की है, वो उसके में आप देख सकते हो, मतलब उसमें मैं कर सकता हूँ क्या? उसके कोड है मेरे पास, एक बार देख लो। नेटलिफाई का कहाँ, व्हाट्सएप पर शेयर किया है? नहीं, अभी फिर से सेंड करता हूँ, मीट पे ही सेंड किया था। अच्छा हाँ, दोबारा कर दे एक बार। हाँ ये देख लो, मतलब कल किया था, उसमें एडिट कर दूँ, मतलब आपने बोला 3 बॉक्स बनाने हैं ना, तो हो गया हाँ ऑलमोस्ट। हाँ बट ये तो फुल वेट नहीं रखना है इनको, वेट कम करनी है इनकी, और सेंटर ओके में करना है इनको। उनकी वीट एडजस्ट कर देता हूँ बस। वेट कम कर दो और सबको सेंटर में करना था। हाँ ठीक है, अभी ये वाला टास्क छोड़ो, अभी जो क्लास में दिया पहले वो करो, वो सबका चेक होगा अभी, हाँ वो कर रहा हूँ सब। ये वाला बाद में करना। हेलो, हेलो। हाँ प्रणव। हाँ सर, मैंने वो 3 बॉक्स बना दिए, स्क्रीन शेयर करूँ हाँ दिखाओ, सर? एक के ऊपर एक बनाने थे ना। एक के ऊपर एक बनाने थे, हाँ, ये डिव के अंदर और ये डिव डाल देता हूँ। और मैंने बोला था पोजीशंस यूज करके बनाना, फ्लेक्स करके ये नहीं बनाना, पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करके बनाना। ओके सर। सर डन। ये आधा ऑरेंज और आधा येलो कैसे हो रहा है बॉक्स? सर एक्चुअली वो दो अलग अलग बॉक्स है, एक की वैल्यू मैंने काफ़ी नीचे तक ले ली है और एक उसको ऊपर ले गया हूँ। ये येलो वाला ये है, नहीं पिंक नहीं, अच्छा येलो वाला लक्ष्मण है, ऑरेंज वाला प्रणव है। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर तुमने वो कौन सी यूज़ करी थी पोजीशन? सर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यूज़ की है, कंटेनर की रिलेटिव है हाँ और बाकी सबकी एब्सोल्यूट है, सिर्फ ग्रे बॉक्स को छोड़ के उसकी भी रिलेटिव है। बट सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ पोजीशन में कि लाइक मेरा जो कंटेनर है हाँ अगर उसकी पोजीशन रिलेटिव है तो जो ग्रे बॉक्स जिसको मैंने रिलेटिव बोला वो किसके रिलेटिव में जा रहा है? अच्छा ठीक है, ये चीज़ देखते हैं अभी। ठीक यस सर, मैं कोड बचा के रखता हूँ मेरा। है। ये मैंने डॉट प्रणव, ये क्लास जो मैंने बनाई थी उसको ग्रीन कलर दिया है, मतलब ये 1 को, लेकिन वो शो क्यों नहीं हो रहा है? ऊपर तुमने ब्रेसेस देखो गलत लगाए हुए हैं, ओपन आएगा यहाँ। हाँ कलर ही गायब हुआ। नहीं, प्रणव से पहले नहीं आएगा ना, प्रणव से पहले हटा दो। अब ये सही था ना? रन करो। ये बाजू बाजू में आया, ये नंबर 2 क्यों नहीं आया? इधर पे 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, कलर के कारण पोजीशन, हाँ तो तुमने पहले इसको विड्थ दिया 20, हाइट दिया 30, और फिर पोजीशन नहीं दिया इसलिए। वो उसके वन उसके ऊपर ही आ गया इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, टू उसके ऊपर आ गया। एब्सोल्यूट नहीं कर सकता, रिलेटिव। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब बंद कर दो प्रेजेंट, मैं हाँ सर, दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने डेव बनाया है, दो डेव लिए हैं, एक की क्लास है डेव वन, एक की क्लास है डेव टू। तो इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम, एक को रेड दिया बैकग्राउंड कलर, इसको ब्लू दे दिया, विड्थ 50 पिक्सल्स और हाइट भी इसकी कर दी 50 पिक्सल्स। ठीक है, सेम इसका ही रखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, नीचे वाले को भी पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके ऊपर ही आएगा ना। हाँ अभी ऊपर ही आएगा, जो बाद हाँ वाला है वो ऊपर आ जाएगा, जैसे पहले डेव वन है फिर डेव टू है तो उसके ऊपर ही आ जाएगा। तो अब हाँ इसको इसकी थोड़ा, वीट चेंज कर दो तो हो जाएगा, आपने जैसा बोला था। हाँ एक हाँ सेकेंड, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोनों को। हो गया, ठीक है, अभी इसको टॉप से 50 पिक्सल्स कर देते हैं और लेफ्ट से 50 पिक्सल्स कर देते हैं।
हमारा नीचे रेड वाला है और ऊपर ब्लू वाला है, ओके ठीक है। इनके अंदर लिख देते हैं ये टू है, ठीक है। तो अब देखो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा था, जेड इंडेक्स, अगर तुम्हें रेड वाला ऊपर चाहिए और ब्लू वाला नीचे चाहिए तो तुम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी से कर सकते हो। जिसका जेड इंडेक्स ज्यादा होगा वो उतना ऊपर दिखता है। तो जैसे इसका मैंने टू सेट कर दिया, तो देखो ये रेड ऊपर आ जाएगा। इसका जेड इंडेक्स इससे ज्यादा कर दिया, का थ्री कर दिया, तो वापस ब्लू ऊपर आ जाएगा। सर वो इसमें CSS में ना ओपेसिटी का भी है ना, मतलब हाँ नहीं वो उसे लाइट करता है। ओके हाँ वो लाइट करता है, ओपेकनेस उसकी कम ज्यादा कर सकते हैं उससे, यस सर। ठीक है। और सागर तुम्हारा एक डाउट था, तुम क्या पूछ रहे थे, बताओ। सर मेरा डाउट था कि मैं स्क्रीन शेयर करूं। तो हाँ करो करो, सर बेसिकली जैसे मेरा जो कंटेनर है उसकी पोजीशन रिलेटिव है, यानी ठीक है ओवरऑल पोजीशन रिलेटिव है, ठीक और है उसके बाद मैंने इसको अब्सोल्यूट रखा, यानी ये इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, हाँ और इसकी रिलेटिव है, इसकी अब्सोल्यूट है, इसकी भी अब्सोल्यूट। तो ये रिलेटिव किसके है, जो तुम्हारा किसके, मेन कंटेनर है उसके रिलेटिव होगा ये। तो ये तो खुद रिलेटिव है सर, तो ये किसके रिलेटिव हुआ फिर। तो एक जो तुमने पहले रिलेटिव करा ये पूरे मेन पेज से रिलेटिव हो गया, और फिर जब तुमने इसके अंदर किसी डिव को रिलेटिव करा तो वो इससे रिलेटिव हो गया कंटेनर से। ओके, तो मतलब लेकिन इसके लिए, इस पोजीशन के लिए कंटेनर का कोई पेरेंट डिव रहना चाहिए ना, तो हाँ इसका पेरेंट डिव क्या होगा फिर। इसका पेरेंट डिव नहीं, किसके लिए तुम कंटेनर के लिए कह रहे हो। हाँ मतलब अगर किसी भी डिव का पोजीशन रिलेटिव है तो उसके हाँ पहले उसका एक पेरेंट होना चाहिए, जिसके जिस इस पे इसको रिलेटिव रेपोजिशन दी गई है। ये तो तुम्हारा डायरेक्ट बॉडी के अंदर आ रहा है ना कंटेनर, तो इसका कोई पेरेंट तो और होगा नहीं, तो ये डायरेक्ट रिलेटिव काम करेगा इस पे। ओके ठीक है, ठीक है मैं एक बार और इसका एग्जांपल से समझाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा शायद सबको। तो पहले एक कंटेनर लेते हैं जैसे तुमने लिया था, देख लो तुम भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे शायद। ठीक है तो ये देखो अभी मैंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, इसकी पोजीशन कर देते हैं हम रिलेटिव। तो देखो जैसे नॉर्मल होता है ये सब वैसे ही सेट हो गया कि मैंने पहले एक बार कंटेनर लिया, उसको मैंने बॉर्डर दे दिया और उसके अंदर फिर डिव वन बनाया। डिव वन तुम्हें पता है कि ब्लॉक एलिमेंट है, हाँ तो इसीलिए ये पूरी ऐसे यहाँ पर जगह ले रहा है। उसके बाद डिव टू है, उसके बाद ये इसके नीचे आ गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है जब तुम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो तो वो इस डिव के एब्सोल्यूट हो जाता है, तो वो बिल्कुल ऊपर स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट होगा हमेशा। तो जैसे मैं ये ब्लू वाले को पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो ये रेड वाले के ऊपर आ जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो। नहीं, आपने जब एब्सोल्यूट रखा था तब क्यों नहीं ऊपर गया वो? हाँ मैं वही देख रहा हूँ, तब ऊपर जाता है वो, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए था उसको। तो अब जीरो करके तो जा रहा है, उसको बाय डिफॉल्ट वहीं से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है तो ये नीचे आ रहा है अभी के डिव, और ये यहाँ पर अगर हम इसको डिस्प्ले करते हैं ब्लॉक, नहीं तो एब्सोल्यूट में नीचे से ही आ रहा है ये, और हटा देते हैं तो तब भी यहीं रहेगा ये। एब्सोल्यूट में तुम उससे सेट कर सकते हो फिर टॉप वगैरह से ऊपर लाने के लिए, इसके बाद तुम इसके ऊपर कहीं पे भी लेके जा सकते हो। 25 पिक्सल्स बेसिकली तुम्हें इससे वो दिखाना था, जेड इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी, और थोड़ा बहुत ये समझना था। और अपडेट रेड वाले को उसके ऊपर लाना है तो तुम जेड इंडेक्स से कर सकते हो जो मैंने बता दिया। ठीक है एक बार और मैं इसका अच्छा एग्जांपल से समझा दूंगा पोजीशन वाला, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो। बाकी का फिर अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर, ठीक है यस सर।